अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो है वो टूना फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। टूना फ़िश के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये हैं। ये मैंने दो टिन लिए हैं टूना फ़िश के, ये मैं टिन वाली यूज़ कर रही हूँ। दो टिन लिए मैंने जो है दो प्याज लिए दरमियाने साइज़ की, टमाटर भी मैंने दो ही लिए हैं दरमियाने साइज़ के। 1.5 टेबलस्पून जो है वो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा, हल्दी 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून जो है वो पिसी मिर्ची मैं इसमें यूज़ करूँगी। आप लोग चाहें तो अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। दालचीनी जो है वो मैंने 4 पीस लिए क्योंकि छोटी थी, अगर बड़ी हो तो दो लें ना। बड़ी इलायची जो है वो सिर्फ एक ही डलेगी और तकरीबन दो जो हैं वो तेज़पात जाएंगे। और नमक मैंने अभी इसमें रखा नहीं है, नमक जो है वो मैं इसमें कम यूज़ करूँगी क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी होता है। आए अब हम इसकी तैयारी करते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन में जो है वो ऑयल ले लिया है। ऑयल जो है वो मैंने तकरीबन 1/4 कप के जितना यूज़ किया है। इसमें बहुत कम ऑयल यूज़ होता है क्योंकि टिन के अंदर ऑलरेडी ऑयल जो है पहले से मौजूद होता है। मैं अभी जो है पहले इसमें मैंने डाइस शेप में जो है प्याज कट करी है। अब मैं पहले प्याज को इसमें डाल रही हूँ। इसको हमें पूरा ब्राउन नहीं करना, जब ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो हम इसमें फ़ौरन अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये देखें प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि अदरक लहसुन की हीक ना आए। ये देखें अदरक लहसुन जो है वो इसमें अच्छे तरीके से जो है वो भुन चुका है। अब मैं जो है इसके अंदर टमाटर और ये जो तेज़पात, बड़ी इलायची और दालचीनी, इन सब चीज़ों को एक साथ इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर भी मैंने डाइस शेप में ही काटे हैं और इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी कि टमाटर जो हैं वो गल जाएं। ये देखिए अब मैं इसमें जो है टमाटर को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। ये अभी थोड़ी सी और भुनाई होगी इसकी। मैं अभी इसके अंदर जो है पिसा धनिया, नमक, मिर्चें और हल्दी, ये इन सब चीज़ों को ऐड कर रही हूँ और इसको भी अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि पिसे धनिया की भी हीक ख़त्म हो जाए। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें मसाला जल रहा है तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी, लेकिन इसमें पानी जो है वो ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें अब इसमें जो है मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें जो है ये टूना फिश जो है वो ऐड कर रही हूँ। टिन डाल दिया मैंने और ये दूसरा टिन। अब ये जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना इनको मैं तोड़ लूँगी इस तरीके से। अच्छा अगर पूरे जब आपकी डिश रेडी हो जाए उसके बाद आपको अगर ऐसा लगे कि इसमें जो है ऑयल जो है अभी भी बहुत ज़्यादा है तो जितना भी एक्सेस ऑयल हो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखें इस स्टेज पर जो है हमें इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है तोड़ लिया टूना को। अब जो है इसको मुझे बहुत देर तक इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट्स या हो सकता है इससे कम टाइम भी लग सकता है। लेकिन ये है कि बिल्कुल अच्छी भुनी हुई जैसे फ्राई होती है ना इस तरीके से इसकी जब शक्ल आ जाए तो मींस टूना जो है वो रेडी है। ये देखें मैंने जो है एक साइड पर जब तक से फिश जो है वो भुन रही है तब तक मैंने एक साइड पर जो है थोड़ा हरा धनिया काट के रख लिया, दो हरी मिर्चें काट के रख ली और ये अदरक के जो है स्लाइसेस कर लिए। जब फिश जो है वो रेडी हो जाएगी तो मैं इसके ऊपर जो है इन सब चीज़ों को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दूँगी ताकि इसकी खुशबू भी फ़िश में आ जाए। ये देखें टूना फिश जो है अब अच्छे तरीके से जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो है हरी मिर्च, हरा धनिया और ये अदरक डाल के इसको 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए दम दे दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पर। टूना फिश जो है वो रेडी है।
अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। Check out.